भाई सब एक है, इसको हमेशा हम लोग छोड़ेंगे ना कभी। उसके ऊपर खुदा की नालत पड़े, खुदा की मार पड़े। 3000 बच्चे चले गए, दिलों के घर में बच्चे नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने हिंदू भाइयों से कहूंगी कि आप इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि ये जंग न किसी हिंदू की है न किसी मुस्लिम की है, ये जंग इंसानियत की है। क्योंकि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। थैंक यू। देखिए, लिंसेस डॉक्टर यूनियन यही मैसेज देना चाह रहा है कि कोलकाता हमेशा आज ने आज शुरू से मोहब्बत का पैगाम दिया है और ये मोहब्बत फलस्तीनियों के साथ है। মুসলমান হিন্দু তাই নয় মনি মুসলিম তার প্রাণ। আমরা সবাই বন্ধু আছি, ভাই ভাই আছি, কোনো ব্যাপার নেই। ওখানে বেশিরভাগ বাচ্চারা মরছে, সেই বাচ্চাদেরকে সেভ করতে হবে, ওদেরকে খাওয়া দাওয়া। इसराइल लगातार फ़लस्तीन के मजलूमों पर हमले कर कत्लेआम कर रहा है और इस कत्लेआम में तकरीबन 8,500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल हैं। इस हमले के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतर कर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में कोलकाता के न्यू मार्केट अंतर्गत लिंडसे स्ट्रीट हॉकर्स यूनियन की ओर से एक विरोध रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और फलस्तीन के मजलूमों पर हमले के गलत ठहराया और उसकी मजम्मत की। सभी ने कहा कि फलस्तीन के मजलूमों के साथ हम हमेशा रहेंगे। वहीं उनका कहना था कि इसराइल प्रोडक्ट का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार भी करते हैं। आपको बता दें कि विरोध रैली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने शामिल हुए, सबों ने भाईचारगी का सबूत पेश किया। साथ ही इस अवसर पर बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने जमकर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की मजम्मत की और पुतला जलाया। और यह रैली न्यू मार्केट सिम पार्क मॉल से शुरू होकर धर्मतल्ला के ग्रैंड ओबरा होटल के सामने ख़त्म हुई। इस दौरान लिंडसे स्ट्रीट के हॉकर्स यूनियन की ओर से प्रेसिडेंट विशाल खटिक, सनी साव, जैद आलम, मोहम्मद साहिल, चिंटू, जमील, सनी, छोटू, सोनकर, सुभाष दास व अन्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हम तो चाहते कि जिंदा उसको जला दिया जाए, मगर क्या करें, पासपोर्ट नहीं है, नहीं तो जाके सुरंग से भी जाके उसको जला दिया जाए, मार दिया जाए। हमेशा हम लोग है मुस्लिम, हमेशा रहेंगे। हमारे हिंदू भाई सब एक है, इसको हमेशा हम लोग छोड़ेंगे ना कभी। उसके ऊपर खुदा की नालत पड़े, खुदा की मार पड़े। 3000 बच्चे चले गए, दिलों के घर में बच्चे नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी नहीं माफ किया ना कभी करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि उन लोग के घर के बच्चे जले नहीं, उन लोग के बच्चा अच्छा रहे, उन लोग के घर की बहन अच्छी रहे, मगर तेलों की जिंदगी में नालत पड़े, क्योंकि वो भी बच्चे हमारे बच्चे, वो भी बहन हमारी बहन, मगर तेरी जिंदगी में नालत पड़े, हमारे भी तक किले पड़े, तेलों को जला दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी हम तमाम लोग जो बाहर निकले हैं, हम ना किसी देश के सपोर्ट में निकले हैं, ना ही किसी मुल्क के सपोर्ट में निकले हैं। हम उन मासूम बच्चों के खून का बदला लेने के लिए निकले, जिन्हें खुदा लेगी बदला, खुदा जिसे बदला लेगी, जिसे बेवजह मारा जा रहा है, जिन्हें बेवजह मारा जा रहा है, जिन्हें बेजुर्म कता मारा जा रहा है। यकीनन हम फलस्तीनों की मदद फलस्तीन जाकर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक रास्ता तो है उन्हें बर्बाद करने का, क्यों ना हम इसराइली प्रोडक्ट को बैन कर दें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के प्रोडक्ट को बैन करके क्या मिलेगा, जब इसराइल के प्रोडक्ट्स को खरीद कर उन्हें फ़ायदा पहुँच सकता है। हम जो मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं, डोमिनोज जा रहे हैं, इन ये तमाम पैसे इसराइल के पास जा रहे हैं और उन्हीं पैसों से ये बॉम्ब मिसाइल लेकर फलस्तीन पर हमला कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें। लोग जो है खरीद कर जो है कोल्ड ड्रिंक्स जो है रास्ते में बहा रहे हैं, क्या ये बहाना सही है? अभी एक तरीके से देखा जाए तो ये सही है,
कैसे सही है, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट तो खरीद ले रहे हैं, पैसा तो वहाँ चला जा रहा है, लेकिन एक नजरिए का निदान है, एक नजरिए के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, पानी घोल कर पिएंगे मगर नहीं कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है ना, हेड और टेल, वैसे इसका भी एक पहलू है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये सही है, गलत इसलिए है क्योंकि ये लोगों को आरास्ता कर रही है, सही इस तरीके से क्योंकि इन्हें देखकर लोग समझ रहे हैं कि हाँ हमें प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगी कि आप इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि ये जंग न किसी हिंदू की है न किसी मुस्लिम की है, ये जंग इंसानियत की है, क्योंकि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, थैंक यू। जो बच्चे का दावा बंद कर दिया जा रहा है, बच्चे का आपका खाना पीना बंद कर दिया जा रहा है, वो बच्चे का क्या, वो बच्चे को तो ये भी नहीं मालूम कि जंग होता क्या है, आज वो मासूम लोग को बेपनाह मार रहा है, क्यों मार रहा है, हम लोग इसलिए इतिहास किए हैं कि जल्द से जल्द वहाँ जंग बंद किया जाए, वो जो लॉन्चर मार रहा है वो लॉन्चर बंद किया जाए, आज अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र दे रहे हैं, आज इतना मान लीजिए किसी का पूरा घर परिवार उजड़ जा रहा है, आज अल्लाह ताला उन लोगों के पास सब्र दिया हुआ है, जो बिना बिजली का बिना पानी का बिना दावा का बिना खाने पीने का फिर भी वो लोग है वहाँ पर, आज इस तरह उन लोगों के ऊपर जुलूम हो रहा है, बिजली काट दिया जा रहा है, पानी काट दिया जा रहा है, खाने पीने का नहीं बंदोबस्त किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस बड़ा यही कहेंगे कि जितने सारे लोग हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में या सोशल मीडिया के जरिए जो लोग सुन रहे हैं वो इसराइली प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बायकॉट करे, उसकी जगह पे दूसरा करे, या वो कोई प्रोडक्ट रहे, या वो चिप्स रहे, या वो आपका कोको कोला रहे, कुछ भी रहे, सब कुछ को बंद करना चाहिए। देखिए लिंसेज स्ट्रीट हॉकर यूनियन यही मैसेज देना चाह रहा है कि कोलकाता हमेशा आज ने आज शुरू से मोहब्बत का पैगाम दिया है, और ये मोहब्बत फलस्तीनियों के साथ है, हम लोग को वहाँ जो इतना ही झमेला हो रहा है, इतना बच्चा मर रहा है, मासूम मासूम बच्चा, इसके लिए हम लोग यही चाह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि जंगल कुछ जाके जंगल झंग को बंद कराया जाए, मिलजुल के बात किया जाए, यही चाह रहे हैं, जुलूम बंद हो, बच्चा बच्चा मर रहा है यहाँ पर ही, यही इसके लिए हम लोग आज कलकत्ता वाले निकाले हैं हॉकर, इसलिए जो होना चाहिए वही किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो जो जुलूम कर रहा है तो हम लोग तो उसको जाके मार नहीं सकते हैं, तो उसका बदला हम लोग यही लेना चाह रहे हैं, चाहते हैं सभी मुसलमान भाई से जो हम लोग ये चीज निकाले, सब जगह से ये चीज निकले, और सब मुसलमान भाई एक होकर ये काम जरूर करें, और ये मजहब का बात है, ये दिन का बात है, सभी मुसलमान भाई को आना चाहिए और करना चाहिए, सभी भाई से यही गुजारिश है, मजहब की बात है कि इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात है, इंसानियत, तो हम लोग यही चाहते हैं एक मुस्लिम भाई और एक सब हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, सब एक होकर इस इसराइल के लिए निकाले, इंसानियत है, ये इंसानियत है, हिंदू मुसलमान, हिंदू तय नॉन मुनि मुस्लिम तार प्राण, हमारा सब भाई बंधु आछी, भाई भाई आछी, कोनो भगवान ने ओखाने बेसी भाग बच्चारा मोर्चे से बच्चा देके सेव करते होवे उधर के खावा दावा, और मैं चाहता हूं कि इमीडिएटली ये युद्ध बंद हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें बात करना चाहिए, इजराइली गवर्नमेंट से बात करके इमीडिएटली ये युद्ध बंद करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, इसका नाम है समझे, हम लोग यहाँ भी हर चीज करते हैं, काली पूजा भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है उसके लिए भी हम लोग करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, समझे, हम लोग जितना हॉकर भाई, हम लोग आज ये देख रहे हैं फलस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं, इसके हर जगह का आदमी भी आवाज़ उठाए कि कुछ तो इसको राहत मिलेगा, जो आज बच्चा बच्चा कत्लेआम हो रहा है, मर रहा है, बहुत तकलीफ में है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत मजबूर हैं, लास्ट में हम लोग अपने का यूनियन में बोला कि ठीक है सब मिल के हम लोग आप एक तो फलस्तीन के लिए हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाया जाए, शांति हो, अमन हो, खुदा की खौफ हो, डर हो कि खुदा की मार बहुत डेंजर मार है, जब खुदा की मार पड़ेगी तो कोई नहीं बचेगा, अभी भी सुधार जाओ, अभी भी संभल जाओ, क्योंकि कोई नहीं बचाने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ये जंग इसराइल और पैलेस्टीन की नहीं है, ये जंग इंसाफ की जंग है, हम ना किसी, हम इंसाफ के लिए खड़े, किसी मुल्क के लिए नहीं खड़े, हम खड़े हैं जो हम इंसाफ पे खड़े हैं, सुन जो खून बहाने नहीं देंगे, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, इसराइल का बायकॉट करना चाहिए, इसराइल के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट।